आज मैं आपके लिए ऐसी मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ ना तो जिसमें खोए की ज़रूरत है ना ही छेने की। इस कलाकंद को मैंने मिनटों में तैयार किया है और आप इसको खा के हलवाई की मिठाई खाना भूल जाएंगे। तो चलिए आज की रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस के ऊपर मैंने एक कढ़ाई रखी है। अब मैं इसमें 1 लीटर फुल फैट दूध डालूंगी। अब गैस को हम फुल फ्लेम पर रखेंगे जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। दूध को चलाते रहना है जिससे कि कढ़ाई में लगे नहीं। अब दूध में उबाल आ चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। दूध को हम तब तक उबालेंगे जब तक कि दूध की क्वांटिटी 1/3 ना हो जाए। साइड से दूध को इस तरीके से स्क्रैप करते जाएं और जो मलाई लगी है उसको बीच में मिक्स करते जाएं। हमें गाढ़ा एकदम रबड़ी जैसा दूध तैयार करना है। ये देखिए दूध की क्वांटिटी आधी हो चुकी है और अब ये गाढ़ा भी हो चुका है। अब हम इसमें 4 चम्मच चीनी डालेंगे। अभी दूध को हम और गाढ़ा करेंगे लेकिन चीनी इसी स्टेज पे डाल देंगे। अब यहीं पे मैंने आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर भी डाल दिया है। अब सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और साइड साइड से दूध को स्क्रैप करते रहेंगे। ये देखिए एकदम दानेदार रबड़ी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम एकदम बढ़िया फ्लेवर के लिए और अच्छे से कलर के लिए इसमें डालेंगे केसर, और मैंने 1 चम्मच कटे हुए बादाम डाले हैं। आप इसमें काजू पिस्ता कुछ भी डाल सकते हैं। एकदम बढ़िया रबड़ी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको साइड में रख देंगे। अब एकदम नई तरीके से कलाकंद बनाने के लिए हमने यहाँ पे ली है ब्रेड। अब ब्रेड का जो साइड वाला पार्ट होता है ना, अब हम इसको कट कर देंगे। मैंने यहाँ पे बाइट ब्रेड का ही इस्तेमाल किया है। आप भी बाइट ब्रेड का ही इस्तेमाल करें, ब्राउन ब्रेड का ना करें, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी में 1/2 कप दूध लिया है। ये दूध ना तो गर्म है ना ही ठंडा है। इसमें मैं 1/2 चम्मच चीनी डाल दूंगी। दूध को हल्का सा ही मीठा करना है, ज़्यादा मीठा नहीं करना है। अब यहाँ पे मैंने एक डिश ली है। आप किसी थाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका किनारा उठा हुआ हो। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी रबड़ी स्प्रेड करूँगी। बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा था। अब हमने जो ब्रेड के स्लाइसेस तैयार किए थे इस तरीके से अब हम इसके ऊपर रखेंगे। मेरी इस डिश में करीब 4 ब्रेड के स्लाइसेस आ रहे हैं। अब हमने जो मीठा दूध तैयार किया था वो हम ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करते रहेंगे। इससे क्या होगा कि ब्रेड थोड़ी सी मीठी हो जाएगी और सॉफ्ट भी हो जाएगी। बहुत ही थोड़ा थोड़ा दूध लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है।
अब इसके ऊपर वापस से हम रबड़ी लगाएंगे। अब इसको अच्छी तरीके से ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करेंगे ताकि ब्रेड अच्छी तरीके से कवर हो जाए। अब इसके ऊपर मैं वापस ब्रेड के स्लाइसेस रखूंगी। ध्यान रखिए कि ब्रेड एकदम अच्छी तरीके से डिश में सेट हो जानी चाहिए। अब इसके ऊपर मैं वापस से दूध को ब्रेड पे स्प्रेड करूंगी। अब इसके ऊपर वापस से हम रबड़ी स्प्रेड करेंगे। मैंने अच्छी तरीके से ब्रेड को रबड़ी से कवर कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। यहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ मैंने पिस्ता डाला है, थोड़े से कटे हुए बादाम डाले हैं। ये बिल्कुल तैयार है, बस मैं इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखूंगी। ये देखिए आधे घंटे के बाद एकदम ये बढ़िया तरीके से सेट हो चुका है। मैं आपको इसके पीसेस कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ज्यादा सॉफ्ट है, काटने में भी आपको पता चल जाएगा। ये देखिए एकदम मुंह में घुलने वाला कलाकंद बनकर एकदम रेडी है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि इसमें आपने छेने का इस्तेमाल नहीं करके ब्रेड का इस्तेमाल किया है। आप भी इस रेसिपी को रक्षाबंधन पर जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।